हेलो फ्रेंड्स, मैं रेयान सोहेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रेयान चोयल में। और आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन और काजोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन और काजोल के जो शादी को लेकर हुई बात, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। 24 फरवरी 1999 को अजय देवगन और काजोल की शादी हुई और वो शादी अचानक से हुई तो इससे बॉलीवुड में तहलका मच गया। क्या रीज़न था जिसकी वजह से इन दोनों ने अचानक से शादी की और इन दोनों की लाइफ में और क्या किस्से हुए और किस्से अगर आप सभी को नहीं पता है तो उनके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। और हम आप सभी को बता दें कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से अजय देवगन और काजोल ने अचानक से शादी की। जब दूसरे दिन जब अखबारों में आई तो तहलका मच गया था बॉलीवुड और सभी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पर तहलका मच गया था। तो क्या राज थे, इन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा, वो किससे हम आप सभी को बताएंगे। और वो किससे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 24 फरवरी 1999 एक ऐसा दिन था जब बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ था और यह तहलका था अजय और काजोल की अचानक हुई शादी का। और अगले ही दिन अखबारों में यह ब्रेकिंग न्यूज़ छपी हुई थी कि क्या वजह थी जिसके कारण अजय और काजोल ने बिना किसी को बताए दोनों ने शादी कर ली। यह बात शायद ही किसी को पता है, इसलिए आज हम आप सबके सामने इस वीडियो में उस किस्सों के बारे में बताएंगे जिनसे आप आज तक बेखबर हैं। अजय ने पहले काजोल की ज़िंदगी में कौन था और काजोल से पहले अजय की ज़िंदगी में कौन था। नंबर 2, शादी से कुछ घंटों पहले अजय और काजोल कहां गायब हो गए थे। नंबर 3, शादी के बाद अजय और काजोल को आखिर क्यों अपना हनीमून छोड़कर आना पड़ा। नंबर 4, शादी के बाद काजोल प्रेग्नेंट 2 बार हुई लेकिन आखिर काजोल ने दोनों बच्चे इस दुनिया में क्यों नहीं आ सके। आज हम हमारी इस वीडियो में इन सभी बातों का जवाब देंगे। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो अब शुरू करते हैं इन सवालों के जवाब जो 21 साल बाद जाकर अब सामने आए हैं। इन सभी के जवाब अजय ने नहीं, खुद काजोल ने बताया है। जब अजय की मूवी तानाजी आई तब अजय ने इन सब की जानकारी दी। दोस्तों, अजय और काजोल की लव स्टोरी को देखकर ऐसा लगता है कि इन की स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों को प्यार हुआ और 24 फरवरी 1999 को इनकी शादी हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सच नहीं है। शादी से पहले अजय देवगन को काजोल को नहीं बल्कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार को डेट कर रहे थे और वो और कोई नहीं करिश्मा कपूर थी। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे जिसके प्यार में अजय देवगन गिरफ्तार थे। वहीं काजोल भी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर से प्यार में पागल थी और हलचल के एक सेट में अजय और काजोल दोनों का ब्रेकअप हो गया और कुछ समय में ये एक दूसरे से करीब आ गए। दूसरा किस्सा, आखिर शादी के बाद ये दोनों कहाँ गायब हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि काजोल अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहती थी, इसलिए अजय और काजोल शादी से कुछ घंटे पहले गायब हो गए और मीडिया को कंफ्यूज करने के लिए अलग ही वेन्यू का पता दे दिया और फिर बाकी सारे मीडिया और फैमिली फ्रेंड्स ढूंढते रहे लेकिन ये उनके हाथ ना लगे। वहीं अजय और काजोल ने बंगाली और पंजाबी रीति रिवाज से अपने घर की टेरिस पर शादी कर ली। दोस्तों, अब तीसरे किस्से की डिटेल जान लीजिए। दोस्तों, अजय और काजोल ने अपना हनीमून काफ़ी लंबा प्लान किया था और वे सिडनी हनीमून के लिए गए और वहां अलग अलग जगह पर घूमा, लेकिन अजय इस दौरान अपने मुंबई के घर को काफ़ी मिस कर रहे थे और फिर बीमार पड़ गए, इसी कारण उन्हें अपना हनीमून अधूरा छोड़कर आना पड़ा। चौथा और आखिरी किस्सा, किस वजह से आज भी काजोल की आँखों में आंसू ला देता है। काजोल की फिल्म कभी खुशी कभी गम तो आप सभी ने देखी होगी और किसी को नहीं पता था कि इस वक्त काजोल प्रेग्नेंट थी। जैसे ही फिल्म कभी खुशी कभी गम रिलीज हुई तब काजोल को पेट में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, फिर काजोल का बच्चा मिस कैरेज हो गया। एक तरफ सभी कभी खुशी कभी गम की कामयाबी की खुशियाँ मना रहे थे, वहीं काजोल अपना पहला बच्चा खो जाने की वजह से आँखों में आंसुओं में डूबी हुई थी और दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई तब भी मिस कैरेज हो गया। और फाइनली अजय और काजोल की फरियाद ऊपर वाले ने सुनी और उनके घर दो नन्हे मुन्ने बच्चे आए
दोस्तों आज के टाइम में अजय और काजोल की जोड़ी आइडियल जोड़ी है। दोनों मिलकर एक शानदार परिवार मनाते हैं। बेटा युग और बेटी न्यासक अजय और काजोल के लिए उनकी जान है। अजय ने फिल्म दृश्यम में कहा था कि हर परिवार का एक राज होता है जो उस परिवार के चार दीवारी में कैद रहता है, लेकिन काजोल ने ये राज अपने चाहने वालों से खुशी खुशी 21 साल बाद शेयर कर दिए। दोस्तों क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह काजोल और अजय देवगन की जो जोड़ी है वो ज़िंदगी भर ऐसे ही सलामत रहे और उनकी जो ज़िंदगी है उनकी लाइफ में खुशियां हमेशा बरकरार रहे? तो और जो हमने आप सभी को राज बताए, क्या आप सभी को ये राज पहले से मालूम थे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए।